मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला कर हंस पड़े। जी हाँ, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, हंसिए क्योंकि अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाफ्टर और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अ डे विदाउट लाफ्टर इज़ अ डे वेस्टेड, ये कहा था चार्ली चैपलिन ने। और ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि लाफ्टर यानी कि हंसना हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या है साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर। सबसे पहला बेनिफिट, लाफ्टर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन इन आवर बॉडी। जी हाँ, जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन, उनका जो लेवल है वो रिड्यूस होता है। इस तरह से हंसना हमारी टेंशंस एंड वरी को करता है छू मंतर और हम हो जाते हैं स्ट्रेस फ्री। सेकेंड इफेक्ट इज, हंसना हमारे पॉजिटिव मूड्स एंड हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। इसको चेक करने के लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपना एक स्माइली फेस बनाइए, इसको करके देखिए। अब जैसे ही हम स्माइल करते हैं या लाफिंग करते हैं, सो लाफ्टर इनहांसेस द पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। थर्ड बेनिफिट इज, लाफ्टर इम्प्रूव्स योर कार्डिक हेल्थ। जी हाँ, हंसने से हमारे हार्ट मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और इसके अलावा लाफ्टर यानी कि हंसना ब्लड प्रेशर को लो करने में भी हेल्पफुल है। सो बीपी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हंसते रहिए, खुश रहिए। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, लाफ्टर इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जो हमारी इम्यूनिटी है यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो बीमारियों या इन्फेक्शन से जो लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हमारे हंसने की वजह से इंक्रीज़ होती है। जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में टी सेल्स इंक्रीज़ होती है, जो एक तरह के फाइटर्स हैं जो हमारे बॉडी में आने वाले इन्फेक्शंस या जो भी डिजीजेस होती हैं उनसे फाइट करते हैं, वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। सो फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है लाफिंग, लाफ्टर, हंसना, हंसते रहिए। एंड फिफ्थ बेनिफिट इज़, लाफ्टर इज़ ए नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। जी हाँ, यानी कि सिर्फ हंसने से हम डिप्रेशन फ्री हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा हंसना यानी कि लाफ्टर पेन सेंसेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आप में से कुछ लोगों ने एंडोर्फिन पे हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो जब हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, इट इज़ फील गुड हार्मोन, एंड ये हमारे बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर है। तो हंसने से एंडोर्फिन सीक्रेट होता है और उसकी वजह से हमारा पेन रिड्यूस होता है। अनदर बेनिफिट ऑफ लाफ्टर इज, इट इंक्रीजेज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेवल। जब हम हंसते हैं, आप हंसिए तो आप फील करेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन रिच एयर आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में अवेलेबल होती है। तो जितना हम ज़्यादा हंसेंगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर का इंटेक होगा, और ये हमारी पूरी बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एंड मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको इन्हांस करेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, आपको पता है लाफ्टर इज़ अ काइंड ऑफ वर्कआउट। हंसना एक तरह का इंटरनल वर्कआउट है। जब हम हंसते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। इनफैक्ट जब हम हंसते हैं तो हमारे डायफ्राम की एंड हमारी एब्स की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सो अगर आप टमी फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट वर्कआउट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लाफ्टर इज़, इट वर्क्स एज अ डिस्ट्रैक्टर। जब हम हंसते हैं तो हमारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो हमारी वरीज, टेंशन, एंग्जाइटी या जो हमारे बैड थॉट्स होते हैं उनसे हट जाता है। तो अगर बहुत सारी परेशानियां होती हैं या कोई थॉट है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए, उससे अपना ध्यान हटाने के लिए लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी।
साइंटिफिक रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है. वो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड फ्यूचर को लेके ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने की वजह से हमारी बॉडी में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो भी इन्हांस होती है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाफ्टर इज़ कंटेजियस. जी हाँ, जब आप हंसेंगे तो आपको देख के और भी बहुत सारे लोग हंसेंगे. तो इस तरह से लाफ्टर ना सिर्फ आपकी पर्सनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस को डिसाइड करता है, बल्कि ये आपके सोशल रिलेशंस को भी इम्प्रूव करता है. हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. तो जितना आप खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, आपको देखे और लोग भी हंसेंगे, खुश होंगे. इसके लिए हमें हंसने को, मुस्कुराने को अपनी एक आदत बनाना पड़ेगा, इज़ अ डेली प्रैक्टिस. अब सवाल है कि कैसे हंसें? क्या बिना बात के हंसें? तो जी हाँ, जब तक आपके पास में कोई वजह नहीं है आप बेवजह भी हंस सकते हैं, अच्छा लगता है. इसके अलावा ऐसे लोगों को फ्रेंड्स बनाइए जो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपको भी हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर कर दें. और अगर आपके पास में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं हंसने मुस्कुराने वाले, तो कोई बात नहीं, आप कोई फ़नी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, शोज़ देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ भी हैं. इसके अलावा लाफ्टर को आप अपनी डेली लाइफ की एक प्रैक्टिस बना सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लाफ्टर योगा. रोज 10 to 20 minutes लाफिंग से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव, एनर्जाइज्ड एंड रिचार्ज फील करती है. सो लाफ्टर को इन अ फॉर्म ऑफ योगा भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सो देखा आपने, लाफ्टर हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है. तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग.